भारत साउथ अफ्रीका अंतिम वन अड्डे के दौरान विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा कि भड़क उठे धोनी। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए वन अड्डे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को आसानी से हराकर सीरीज को 5-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में भारतीय टीम ने कई सारे नए रिकॉर्ड को अपने नाम किया। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को 205 रनों पर ढेर कर दिया। बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मैच को आसानी से जीत लिया। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया और अपनी टीम को जीत दिलाया। आज हम आपको इस मैच के दौरान घटी एक घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैच के दौरान अपने शांत मिजाज के लिए फेमस खिलाड़ी, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक नए ऊंचाई पर लाकर रख दिया और उनकी कप्तानी के दौरान भारतीय टीम ने कई सारे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जो इस मैच के दौरान थोड़ी देर के लिए अपना आपा खो बैठे और कप्तान कोहली को डांट लगा दी। हमने अक्सर देखा है धोनी को कई बार फील्डिंग सजाते हुए और कोहली हमेशा उनकी बातों को मानते भी हैं। मैच के दौरान साउथ अफ्रीका की पारी के 17वें ओवर में जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो उस वक्त कोहली ने फील्डिंग सजाने में थोड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद धोनी ने कोहली को थोड़ा चिल्लाकर अच्छे से फील्डिंग सजाने के लिए, जिसके बाद कोहली ने अपनी गलती मानी और धोनी के द्वारा बताए गए जगह पर एक फील्डर को लगाया।